नहीं रहेंगे तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साहबुद्दीन साहब को लेकर चलते हैं, अब नहीं रहेंगे तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कि कोई रहे या ना रहे, कि कोई रहे या ना रहे, जो पार्टी अभी है, जो लोग हैं, जो जुरुझान है, वही लोग रहेंगे। नकाब में तो बहुत सारे लोग दिखे लेकिन हिना साहब कहीं नहीं दिखे। साहबुद्दीन साहब को राष्ट्रीय जनता दल सम्मान देता है, होर्डिंग्स पे तो फोटो लग जाते हैं लेकिन कहीं ऐसी याद। जानते हैं गब्बर यादव जी, इन्हीं सब बोलियों की वजह से एक कार्यकर्ता खाली कार्य करते रह जाता है और एक नेता नेता रहता है। जो बात आप बोल रहे हैं ये बतवा तनी तेजस्वी यादव जी से बोलवा के दिखा दीजिए। जो आप बोल रहे हैं कि शाहबुद्दीन नहीं है तब पर भी ये होगा वो होगा, तो यही बात थोड़ा सा आप तेजस्वी यादव जी से बुलवा दीजिए कि उनका परिवार अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सवाल तेजस्वी यादव जी से भी हुआ था तो उनका जवाब क्या था ये सुन लीजिए। तीन का नाम है तो शहाबुद्दीन परिवार के बगैर ये प्रोग्राम हो रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि वो जो एक मामला है राजनीति में आपको इस पर बोलना चाहिए। लोगों को इंतजार है इस बात का कि तेजस्वी जी क्यों नहीं बोल रहे। सिवान में प्रोग्राम हो रहा है, उस परिवार से कोई नहीं आया आपकी तरफ, या आप इसमें क्या चाहते हैं? नहीं देखिए, इसमें हम ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहते हैं लेकिन एक बात तो है कि भाई समय के साथ साथ जो है चीज़ें बदलती हैं और समय के साथ लोगों को चलना चाहिए। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और समय के साथ चलते हैं। पहले एसटीडी बूथ होता था, समय के हालात को देखते हुए हम लोगों की कोई भी ऐसी मंशा नहीं रही किसी को भी हटाने या भगाने की। अब क्या बात है तो वही लोग बेटर बताएंगे लेकिन जो हम लोग सुन ऐसे बचते हुए नजर आए थे। एक जो नेता इसीलिए एक नेता होता है और कार्यकर्ता कार्य करते रह जाता है क्योंकि उसका सोचने समझने की जो ताकत होती है बहुत छोटा होता है। कुआं का मेढक जो बने रहते हैं तो ऐसी ही भाषा होगी। किसी नेता का पार्टी में रहने से या नहीं रहने से क्या फायदा नुकसान होता है वो वही सोच सकता है जो सरकार चलाना जानता है, जो सरकार में रहता है और जो बड़े स्तर पर सोच सकता है। और किसी के रहने से फायदा या नुकसान आपको अभी थोड़ी समझ में आएगा। भीड़ में झंडा उठाकर कुछ भी बोल देना, मुंह में बोल देने से समझ में नहीं आता है कि पार्टी को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसका फायदा और नुकसान आपको तब समझ में आएगा जब इलेक्शन होगा 2025 में। 2024 का इलेक्शन कोई मायने नहीं रखता है हम लोगों के लिए। बिहार में सरकार बनने की बात है ना, अब दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी उससे क्या लेना देना है, वो बाकी के बड़ी पार्टियां सोके। लेकिन सिवान में किसी नेता के चाहने नहीं चाहने से बिहार में किसकी सरकार बनेगी वो समय बताएगा 2025। उस समय भाषा अपने नेता चीज़ से ही बुलवाइएगा और खुद भी बोल के दिखाइएगा। बड़बोलापन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अगर बात समझ में नहीं आती है तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर है, ना कि कुछ भी बकवास करते रहा जाए।